उसके टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। तो आज ब्रेकफास्ट में बनी है चने और क्या था ये टिक्की। किसको दूँ? बिल्लू पकड़, गरम है। क्या है गरम, इतनी देर से बना हुआ है। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं और बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक ऐसी जगह पे जाएं जो कि किसी मर्डर मिस्ट्री की वजह से बहुत फेमस है। हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जगह क्यों और किस क्या स्टोरी है उसकी। तो उसके ऊपर मैं एक पूरा अलग से व्लॉग बना दूंगी। तो अभी फिलहाल चलते हैं। आज हम लोग निठारी गाँव में जा रहे हैं और निठारी गाँव की हिस्ट्री वैसे मैक्सिमम सभी लोगों को पता है, पर जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताऊंगी आज की इस गांव की क्या स्टोरी है। ये बात है साल 2006 की, जब नोएडा सेक्टर 31 के पास पड़ने वाले इस छोटे से गांव में एक ऐसे आदमखोर की कहानी सामने आई जिसने इंसानियत की हर हद को पार कर दिया। एक ऐसा आदमखोर जो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जवान लड़कियों का भी खून करके उनके साथ गलत करके उनको पका कर खाता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 19 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो इस आदमखोर का शिकार हुए थे। आज मैं आपको दिखाऊंगी वही घर जिस घर में ये सब होता रहा और लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे बहुत हैरानी हुई है देखकर कि इस घर के आसपास जितने लोग रहते हैं उनको कैसे ये सब पता नहीं चला। ये वही घर है जिसमें ये सब कुछ होता रहा। इसी घर के आसपास एक नाला है जिसमें वो काट कर बच्चों की हड्डियों को प्लास्टिक पॉलिथीन के बैग में पैक करके फेंक देता था। यही वो घर है जिसमें वो रहता था और इस घटिया काम को अंजाम देता था। हालांकि आज के टाइम में ये घर पूरी तरह से जल चुका है, इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये घर अब चारों तरफ से पूरी झाड़ियों के बीच में दब चुका है क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ कोई नहीं आया और शायद यहाँ कभी कोई आना चाहेगा। अगर आप इस केस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके कुछ दो एपिसोड्स हैं जो क्राइम पेट्रोल पर भी बताए गए थे और साथ ही इस केस पर एक वेब सीरीज़ भी बनाया गया है जो कि आपको इजीली गूगल और यूट्यूब पर मिल जाएगा। सच बताऊं तो यहाँ पहुँचने के बाद हमें बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। बार बार बस एक ही ख्याल दिमाग में आ रहा था कि क्या बीती होगी उन बच्चों पर और उन बच्चों के परिवारों पर जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। आदमखोर का ये कहना था कि उसे एक औरत उल्टी लटकी हुई अपने घर में दिखाई देती थी और वो उसे कहती थी कि बच्चों को काट कर उनको पका कर उनको खा लेना और उसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाता था। ये बात कितनी सही है और कितनी गलत, ये बात तो सिर्फ वही जानता था और ये सारे राज उसी के साथ चले गए। ऐसा लगता है कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन अब वो बंदा इस दुनिया में नहीं है और पकड़ा भी गया था, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं गया था तो उसने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग व्लॉग में बता दूंगी। लेकिन अभी हम लोग वापस आ गए और दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन अच्छा लग रहा था, लेकिन आज तो इतनी गर्मी लग रही है ना, आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पे कि पूरे 12 बजे हुए हैं। हम लोग पैदल गए थे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और पैदल ही हम लोग वापस आए, आधे रास्ते उसको ऑटो लिया था। मतलब इतनी गंदी हालत हो चुकी है ना यार,
तो अभी मैं जा रही हूँ वापस कुओं के पास, क्योंकि हम उसको यहीं पर छोड़ कर गए थे और वो मासी को मिस कर रहा होगा, तो चलते हैं उसके पास। मासी आ गए बुतल, मासी को मिस कर रहा था तू। अरे उठ जा यार, तू किसी चीज के लिए उठता? मैं बच्चा पकड़ा था। अभी पकड़ा बच्चा तो अभी कैसे उठ जाऊँ फिर? अरे यार कोई एसी चला दो यार। एसी चला दिया भाई। तो अब हम लोगों के बाय बोलने का टाइम आ गया है, तो कुहू को बाय बोल देते हैं। ये भी सो रही है, तो उसको बाद में पता चलेगा जब उठेगी। सब जा चुके हैं, मासी जा चुकी है। ये मेरा बैग। ए नीचे ए यार, गाड़ी नीचे है नी। बाय बाय बेटा। कितना सामान है, छोटी बाय बाय बाबा। ओके भैया, मिलेंगे भाई, टेक केयर। चल तो नीचे चला तू, सेफ जा रहा देता हूं। चलो बाय। ओके भैया बाय, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू, बाय, हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू। चलो जी, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अब चंडीगढ़ के लिए वापस। कुहू की बहुत याद आ रही है मुझे अभी से लेकर ही। अब हमें यहाँ से लगेंगे कम से कम 5-7 घंटे चंडीगढ़ पहुँचने में, तो बहुत ही हेक्टिक जर्नी होने वाली है। ट्रेन की टिकट्स भी नहीं मिली, हमें तो बस में ही जाना पड़ेगा। तो फाइनली 1.5 मिनट के स्ट्रगल के बाद मेरी बेल्ट भी लग गई। तो अब साथ साथ में मेरी ड्यूटी भी चालू और साथ में हमारा ट्रैवल भी हो रहा है, तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं हमारे। Hold me close till I get up, time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And माई फाइनल फीडबैक ऑफ विजिटिंग दिल्ली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का मतलब लाइफ स्टाइल बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पर, और मतलब मुझे अभी तक बुरा कुछ भी नहीं लगा। बस यही थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर और यहाँ पर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो 2 ही दिन में मतलब ऐसा लगता था कि ओ नो, आई जस्ट रियली वॉन्ट टू गो बैक। तो बाकी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। किसका पुतू है? आजो 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 आजो। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.